सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मुस्कान लाइफ में। सो जैसा कि गाइस आप सभी को मालूम है, गर्मी आ चुकी है और गर्मियों में हर कोई ठंडी चीज़ें पीना पसंद करता है। सो या गाइस, आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं चॉकलेट शेक्स। सो अगर आप लोग मार्केट में जाते हो तो वही शेक आपको 80, 100, 120 इतने महंगे महंगे मिलते हैं गर्मियों में, और इससे भी बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं कुछ जगहों पर। तो आज हम 15 रुपये में घर पे शेक्स बनाने वाले हैं, वो भी तीन तीन, और जिसमें किटकैट, ओरियो और चॉकलेट। तो आई होप गाइस ये वीडियो बड़े लोगों को भी पसंद आएगी और बच्चों के लिए तो ये वीडियो है ही। तो हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार गाइस, पहले मैं आप लोग को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो जो मैं शेक बनाते टाइम यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे पहले छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ। ये क्रश्ड किटकैट है और दो पीसेज ऐसे किटकैट के, सेम कुछ ओरियो को आप छोटे पीसेज में क्रश कर लो, और कुछ ओरियो को ऊपर से डेकोरेट करने के लिए ले सकते हो। और यहाँ पर मैंने कुछ डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स ली हैं, चॉकलेट के पीसेस, और ये वेफल स्टिक्स आती हैं मार्केट में, आप ये ले सकते हो। और ये कुछ कलर्ड स्प्रिंकल्स हैं, वो भी मार्केट में मिल जाएंगे, तो मैं ये ले रही हूँ। और मेन इंग्रेडिएंट्स जो आपको चाहिए, वो चाहिए एक जार दूध का मिल्क, और उसके बाद चाहिए कोको पाउडर, एक आइसक्रीम ब्रेक किसी भी कंपनी की जो आपको अच्छी लगे, बॉर्नविटा, दिस इज ऑप्शनल गाइस, और शुगर, और हर्शी सिरप। सो या यही आइटम्स हमको चाहिए। हम इतने से आइटम्स से ही बहुत अमेजिंग शेक बनाने वाले हैं। तो सारे शेक सेम होते हैं, बस ऊपर से उनकी प्रेजेंटेशन और थोड़ी सी डेकोरेशन अलग होती है, बाकी सब में सेम ही होता है। किटकैट में किटकैट वो डाल देते हैं, ओरियो में ओरियो पीसेस डाल देते हैं, और नॉर्मल चॉकलेट शेक में थोड़ी सी आइसक्रीम या फिर थोड़ा सा चॉकलेट्स ज़्यादा होती हैं, थोड़ा क्रीमी टाइप बनाने के लिए थिक, बस इन तीनों में सेम होते हैं। आइसक्रीम है वो ज़्यादा होती है, बस दैट्स इट, तीनों सेम होते हैं। तो हम सबसे पहले मेन बेसिक चॉकलेट शेक बनाने वाले हैं, उसके लिए मैं दूध को अच्छे से थिक शेक बनाऊंगी, तो हम पहले जल्दी से वो बनाते हैं। यहाँ पे मैंने अपना सामान निकाल लिया है, तो यहाँ पे मैं जार में ही बनाने वाली हूँ। ये दूध का जार है, और मैं यहाँ पे हैंड मिक्सर यूज़ करूँगी। आप लोग कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मिक्सी वगैरह और कुछ यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसे ही यूज़ करने वाली हूँ। और आप लोग को चिल्ड दूध चाहिए होगा, ये चिल्ड दूध है, तो इसे हम थोड़ा बहुत मिक्सर से फेंट लेंगे। एक दो स्कूप आइसक्रीम के आप लोग डाल सकते हैं। और एक बार वापस से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये बॉर्नविटा है थोड़ा सा, ये डाल देंगे। थोड़ा सा कोको पाउडर लेंगे, 1 स्पून अराउंड, शुगर डालेंगे 1 चम्मच। बस से ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा हर्शीज डाल देंगे, थोड़ा सा हर्शीज इसलिए डाला है ताकि थोड़ा डार्क कलर आ जाए इसमें। सो हमारा यहाँ पे चॉकलेट शेक रेडी हो चुका है। गाइस अभी मैंने अपना शेक बना लिया है जो हर किसी में मैं यूज करने वाली हूँ। सो अभी हम जल्दी से पहले ग्लास को डेकोरेट कर लेते हैं।
इसको बस हल्का हल्का साइड पे ऐसे गिराते रहो, फिर अपने आप बहने लग जाएगी। अब हम पोर करेंगे अपना शेक। अब हम पहले जल्दी जल्दी डाल देते हैं आइसक्रीम, ये होने लगी हुई है मेल्ट। एक एक स्कूप डालेंगे आइसक्रीम ऊपर से। पहले हम करेंगे किटकैट शेक को डेकोरेट, ऊपर से किटकैट और साइड से एक किटकैट को अंदर डाल देंगे, ऊपर से हल्का सा हर्शीज। हम करेंगे ओरियो शेक को डेकोरेट। ये गए हमारे ओयो के पीसेस। ऊपर से ये टूट चुके। अब लास्ट बारी है हमारे चॉकलेट शेक की, जिसमें हम ऊपर से डाल देंगे चॉकलेट के पीसेस और ऊपर से रखेंगे बेफल स्टिक। ऊपर से करने वाले हैं स्प्रिंकल। सो या गाइस, तीनों शेक बन चुके हैं। सो अभी इसे टेस्ट करने आ रहे हैं हमारे स्पेशल गेस्ट, जो कि है मेरी मम्मी। मैं भी अपनी मम्मी को बुला के आती हूँ और उन्हें सारे शेक टेस्ट कराती हूँ। तो यहाँ पर आ चुके हैं मेरे स्पेशल गेस्ट, मेरी मम्मी। तो टेस्ट करके बताएंगी और आपको रेटिंग देनी है 10 में से, ठीक है? पहले कौन सा ट्राई करोगे? ये चॉकलेट है, ये ओरियो है और ये किटकैट है। चॉकलेट। इन सबको भी ट्राई करो, फिर रेटिंग देना। ये थोड़े ओवरफ्लो हो गए हैं गर्मी की वजह से, आइसक्रीम मेल्ट हो गई और क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। अब बारी है ओरियो शेक की। अच्छा है, सबसे ज़्यादा मुझे किटकैट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। ऐसे मुझे किटकैट के फ्लेवर 10 में से 10। इसको और इसको ओरियो मेरे बेटे का फेवरेट है, ठीक है, इसमें मैं 8.5 दूंगी। 8.5 ओरियो को, किटकैट को 10 एंड चॉकलेट शेक स्प्रिंकल की वजह से अजीब लग रहा है, स्प्रिंकल की वजह से अजीब है, ठीक है। चॉकलेट चिप्स भी यूज कर सकते हो गाइस, मैंने चॉकलेट इसमें स्किप कर दिया। 9.5 9 8.5 9 10 10। सो या गाइस, हम इस ब्लॉग वीडियो करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me that you love me, even if it's fake.